हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 2.6। ये हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन। हम क्या करेंगे इसके अंदर, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में यही किया है, इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब देखते हैं इसके अंदर कैसी इक्वेशन दी हुई है, कैसे सॉल्व करेंगे। 8x-3 / 3x = 2। ये हमें इक्वेशन दी हुई है, 8x-3/3x = 2। अब जो डिवाइड में है वो अपोजिट साइड जाएगा, तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। इधर क्या आएगा, 8x-3 = 2 × 3x। 8x-3 = 2, 3 × 6x। 8x, अब ये 6x इधर प्लस है, इधर लेके आएंगे माइनस आ जाएगा। 8x-6x = -3 है, इधर आएगा प्लस 3 हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, 2x = 3। x = 3 एज इट इज़, 2 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 9/7-6x = 15। अब हमें क्या दे रखा है, एक फ्रैक्शन दे रखा है एक रैशनल नंबर के फॉर्म में। क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे, किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। 9x, यहाँ पे आपके पास x है, 9x/7-6x = 15। 7-6x को अपोजिट साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9x = 15 × 7-6x। 9x एज इट इज इक्वल टू 15 × 7 = 105 − 15 × 6 = 90x। अब 9x है, इधर −90 है, −90 को इधर लेके आएंगे +90 आ जाएगा। 9x + 90x = क्या आएगा, 105। 9 + 90 क्या आ जाएगा, 99x = 105। x = 105, ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आएगा डिवाइड में, क्या आ जाएगा, 105/99। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 35/33। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, z/z + 15 = 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, z/z + 15 = 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और z की मल्टीप्लाई = 4, और किसकी मल्टीप्लाई, z + 15। 9z = 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4z + 4 और 15 की मल्टीप्लाई 16। अब 9z है हमारे पास, अपोजिट साइड 4z था, लेके आएंगे −4z हो जाएगा, क्या आएगा, 9z − 4z = में क्या बचेगा, 60। 9z − 4z किस में से क्या आएगा, 5z = 60। z = 60 / 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 12 पे कैंसिल होगा, z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 3y + 4/2 − 6y = −2/5। अब हमारे पास फिर से वही फॉर्म है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y + 4 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से = −2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 − 6y से करेंगे। 5 × 3 = 15y, 5 × 4 = 20 = −2 − 2 − 4, −± + 2 = 6 = 12y। इधर 15y है, अब 12y इधर प्लस है, इधर लेके आएंगे माइनस आ जाएगा, −4 है, इधर +20 इधर लेके आएंगे −20। 15 में से 12 जाएगा, क्या आएगा, 3y = −4 − 20। साइन दोनों का सेम है, और दोनों को क्या करेंगे, साइन हमारे पास वही रहेगा, और डिजिट को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 4 + 20 क्या आ जाएगा, 24y = −24। इधर ये हमारे पास मल्टीप्लाई, अपोजिट साइड में डिवाइड में आएगा, 3 × 8 = 24y = −8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 7y + 4/y + 2 = −4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 7y + 4 से, 3 × 7y + 4 बीच में क्या है, इक्वल, −4 की मल्टीप्लाई कर देंगे y + 2 से, 3 × 7 = 21y + 3 × 4 = 12 = 4 की और y की −4y + −4 = 8 21y +
अब देखो इधर माइनस फोर वाई अपोजिट साइड लेके आएंगे, प्लस फोर वाई हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एट, इधर प्लस ट्वेल्व को इधर लेके आए माइनस ट्वेल्व, 21 प्लस 4 25 वाई इज इक्वल टू माइनस एट माइनस ट्वेल्व माइनस 20, वाई इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइडेड बाई 25, कैंसिल कर देंगे 5 4 जा 25, 5 जा 25, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस 4 बाई 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, द एज ऑफ हैरी एंड हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो, आपको दो की एज दी हुई है किसकी, हरी और हैरी की, किस रेशियो में, 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4, उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करें, पहले हमें जो प्रेजेंट एज दे रखी है उसकी रेशियो से हम मान के चल पड़ेंगे। लेट द एज ऑफ हैरी एंड हैरी बी, दोनों की एज क्या आ जाएगी 5x एंड 7x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 4 years फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल के बाद, आफ्टर 4 years हैरी एज, 4 साल के बाद हरी की एज क्या होगी 5x थी पहले, फिर 4 और ऐड हो जाएगी 5x प्लस 4, इसी तरह से आफ्टर 4 years हैरी एज, हैरी की पहले एज कितनी है 7x, 4 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी 7x प्लस 4। फिर क्या दे रखा है कि इनका रेशियो, जब आपको रेशियो दे रखा है तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास हरी का है और ये हैरी, हरी की हमारे पास क्या है 5x प्लस 4 और ये क्या हो जाएगी 7x प्लस 4 इज इक्वल टू किस रेशियो में 3:4, 3:4 था, इसको हमने क्या लिख दिया 3:4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई होगी 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x प्लस 4, 5:4 20x प्लस 4:4 16 इज इक्वल टू 3:7 21x प्लस 3:4 12, 20x इधर हमारे पास प्लस है, इधर आएगा माइनस 21x इज इक्वल टू 12, इधर प्लस है इधर माइनस आएगा 12, 20 में से माइनस 21 कर दें क्या आएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 16 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई, हमें किसकी निकालनी, हरी और हैरी की, द एज ऑफ हरी, हरी की एज क्या है पहले 5x है, 5x की वैल्यू क्या आ गई 4, 5:4 20 years, एज ऑफ हैरी, हैरी की एज क्या है 7x है, 7 × 4 7:4 28 years, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। नेक्स्ट है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, हमें क्या दे रखा है एक रैशनल नंबर दे रखा है और उसका डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, न्यूमरेटर से 8 अधिक है, हम क्या करेंगे न्यूमरेटर x मान लेंगे, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा x प्लस 8, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, अगर हम न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दें एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1 और डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज कर दें कम कर दें, द नंबर ऑब्टेन इज 3:2, तो नंबर में क्या मिलेगा 3:2, फाइंड द रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर फाइंड करो कैसे, देखो लेट न्यूमरेटर हमने क्या मान लिया x है, फिर क्या दे रखा है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 अधिक है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 8 है, रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर क्या करते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर x बाय x प्लस 8 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दें x प्लस 17 हो जाएगा, देन डिनोमिनेटर जो दे रखा है क्या है x प्लस 8 है, उसमें से क्या कर दें डिक्रीज कर दे 1, तो उसमें से डिक्रीज उसमें से कम कर दिया 1, किसके इक्वल आ जाएगा 3:2 के इक्वल आएगा, ये आ जाएगा x प्लस 17, x प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 इज इक्वल टू 3:2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मल्टीप्लाई x प्लस 17 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x प्लस 7, 2 की और x की 2x प्लस 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 37 जा 21, 2x प्लस 3x को इधर लेके आए माइनस 3x इज इक्वल टू 21, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 34,
2x माइनस 3x क्या आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 21 माइनस 34 क्या आएगा हमारे पास, माइनस 13, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 13, x हमारे पास आया। अब हम क्या निकाल लेंगे, न्यूमरेटर हमारे पास क्या था x, x की जगह हमें क्या रख दिया 13, तो न्यूमरेटर क्या आएगा 13, डिनोमिनेटर कितना था x प्लस 8, 13 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना है 21, और रैशनल नंबर क्या था x बाई एक्स प्लस 8, x हमारे पास 13 आ गया, x प्लस 8 कितना आया 21, तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या आया 13/21। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.6। ओके, थैंक यू।